And for all your filmy updates, please subscribe to Dot Entertainment. मतलब कि ओवरऑल वॉज ए गुड एक्सपीरियंस ठीक है मतलब कि पैसा वसूल है ठीक है अगर आप घर पे बोर हो रहे हो तो लाइक यू कैन कम फॉर टू वॉच द मूवी बाकी ओवरऑल लाइक प्रोडक्शंस जो खर्चा किया हुआ है अच्छा खासा किया हुआ है यार कृति सनन या सुपर ये जो वॉर दिखाया गया है बड़े लेवल पर वो कैसा लगा आपको वो इज गुड लाइक अगर आप लाइक आंखों के लिए बैठ के जो पूरा दिखाया गया है एक मतलब कि बहुत ही अच्छा था like a good experience to see the Sanjay Dutt, Kriti Sanon, Abhishek Nigam, yeah, was good, yeah. Did you think it's a full paisa wasool movie aapke liye? Yeah, full. कोई गाना पसंद आया आपको? गाना मुझे जो एक मराठों के ऊपर जो बीच में है वोर के बीच में that was good, yeah. कितने स्टार देंगे पांच? पांच मुझे 3.5, yeah. Thank you. मुझे बहुत अच्छी लगी, especially ये लड़ाई देखी जो history है, देखना चाहिए लोगों आगे देखना चाहिए कि किस तरह अपनी इंडिया की हिस्ट्री हुई थी 1761 की और काफ़ी मुझे बहुत पसंद आई स्पेशली संजय दत्त और अर्जुन कपूर ने बहुत अच्छा काम किया लोगों को देखना चाहिए आगे अर्जुन कपूर संजय दत्त एंड कृति सनन की एक्टिंग कैसी लगी मुझे स्पेशली संजय दत्त की लगी अरे डेफिनेटली यार यू हैव टू वॉच द कम एंड यू वॉच द मूवी हिस्ट्री देखना बहुत अच्छी बात है और ज़रूरी नहीं कि हर बार इंटरटेनमेंट लड़ाई झगड़ा ही देख वही देखो देखो आगे हिस्ट्री देखो इंडिया की हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई किस तरह खत्म हुई और हमारे देशवासियों ने कैसे किया काम सब देखना चाहिए यू हैव टू वॉच द मूवी कम मैं तो 5 स्टार देना चाहूँगा इंजॉय और वॉच द मूवी ऑफ पानीपत जी पानीपत देखिए पानी आखिरी 25 मिनट ने बचाया फिल्म को और एक्शन सीन बहुत अच्छे हैं नवाब शाह साहब का रोल बहुत अच्छा है संजय साहब को शायद थोड़ा वेस्ट किया क्योंकि वो कुछ और बहुत अच्छा कर सकते थे खैर और अर्जुन कपूर साहब फिटनेस है कृति सैनन बहुत अच्छी लगी उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी है हो गया कोई गाना पसंद आया गाने नहीं लेकिन फाइट सीक्वेंस और फिल्म जिस बड़े पैमाने पे लगी है तो सबको देखनी चाहिए क्योंकि ऐसी फिल्में बननी चाहिए डायरेक्शन कैसा लगा सर सुपर उनके लिए तो बोलना ही बेकार है लेकिन एडिट थोड़ी फिल्म थोड़ी कम हो सकती थी 15-20 मिनट तो कम हो सकती है कितने स्टार देंगे 3 तो बनते हैं सर थैंक यू सर अर्जुन कपूर सब अच्छे कर रहे हैं कृति सैनन उनकी भी ठीक है एक्टिंग डायरेक्शन कैसा लगा डायरेक्शन बहुत अच्छा है मूवी का संजय तो अच्छा है उनका बट उनके रोल जो है स्ट्रॉन्ग है वे भी उनका पार्ट जो स्ट्रॉन्ग है बट वे कम दिए हैं मूवी में उनका कम रोल है जी सबसे ज़्यादा एक्टिंग आपको किसके संजय दत्त की और अभिषेक निगम जी जी कितने स्टार देंगे 4 साथ ही है आगे 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 ले लो भगा देंगे फिर बेइज्जती हो जाएगी मेरी क्या ओके 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 बस हो गया प्लीज कम मैं तेरा माइक नहीं ले सकता नहीं आप सिंगल रूम पे ऐसे कैसे आ सकते हो अच्छा बरा हर बार भाई नई नई बातें आ नहीं रही मैं वही रिपीटेटिव नो प्रॉब्लम वही रिपीट होता कितनी लगी कैसी लगी आपको फिल्म मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग था एंड में तो बहुत ही अच्छी लगी आफ्टर इंटरवल तो काफ़ी अच्छी थी जी बड़े लेवल पर वॉर दिखाने की कोशिश की गई तो आपको आपने कितना एंजॉय किया एंड डायरेक्शन कैसा लगा अरे वॉर को कौन एंजॉय करता है बट फिर भी मतलब जिस तरीके से दिखाया गया और जो बैटल दिखाई गई है वो बहुत ऑसम थी अभी तक जितनी भी हिस्टोरिकल फिल्म्स आई हैं माइथोलॉजिकल फिल्म्स आई हैं उन सब में सबसे अच्छी बैटल यही थी इस फिल्म की थी जी अर्जुन कपूर ठीक है एवरेज है एंड में अच्छा किया अर्जुन कपूर ने बट संजय दत्त बेस्ट है कृति सैनन भी अच्छा किया कृति सैनन भी अच्छा किया गाना ऐसा गाना तो नहीं बट बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है 3 दे दो मुंह में दे दो हाँ फिल्म ठीक ठाक है यार हाँ जी पूछो क्या किस ठीक ठाक है अर्जुन कपूर ने अच्छा काम किया है अच्छा काम किया कीर्ति सैनन बड़ी प्यारी लगी है पहली बार संजय बाबा तो बाबा है बाबा के बारे में क्या पूछना है बाबा ने तो मजा बांध दिया आपके दोस्त भी मेरा दोस्त अभिषेक निगम पेशवा प्लीज उसके लिए मैं फिल्म देखने आया था उसने बहुत अच्छा काम किया है बहुत अच्छा डायरेक्शन मजेदार और कॉस्ट्यूम अच्छे है लोकेशन अच्छी है बट स्टार्टिंग में स्लो है फिल्म थोड़ी सी 3 स्टार देंगे थैंक यू जी एंड फॉर ऑल योर फिल्मी अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू डॉट एंटरटेनमेंट